What is temporary hardness of water and method to remove it? Temporary hardness क्या होती है water में? Water में अगर calcium और magnesium के bicarbonate salt अगर है, CaHCO3 whole twice और MgHCO3 whole twice, तो इन bicarbonates की वजह से temporary hardness होती है. Temporary क्यों? क्योंकि ये आसानी से अलग हो जाती है. तो यहाँ दो मेथड हैं इन हार्डनेस को रिमूव करने के. तो पहला तरीका है बाय बॉइलिंग. बॉइलिंग से आप टेम्पररी हार्डनेस अलग कर सकते हो. हार्डनेस है क्या? हार्डनेस मतलब इस कैल्शियम का प्रेजेंट होना. जैसे हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस है, ये कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है और वाटर में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है. अब ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल है, पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्पर्स है. अब हम चाहते हैं इस कैल्शियम को अलग कर दें, इस कैल्शियम को जो कि पानी में यूनिफॉर्मली डिस्पर्स है उसको हम अलग कर दें. उसको अलग करने के लिए हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स चाहिए जो इनसॉल्युबल हो. अगर कैल्शियम किसी तरह एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना के या कुछ ऐसी रिएक्शन कराएं कि कैल्शियम इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट हो जाए, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाता है. ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है. तो ये बहुत अच्छा तरीका है कैल्शियम को अलग करने का. मतलब हमें क्या करना है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है. अगर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया तो वो नीचे सेटल हो जाएगा, कैल्शियम नीचे चला जाएगा, कैल्शियम नीचे चला जाएगा और फिर हम ऊपर का पानी यूज़ कर लेंगे, नीचे का पानी रहने देंगे. कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको हीट अगर आप करो तो CaCO3 बनेगा. एक CA और एक CO3 निकाल लो तो ये CaCO3 बन गया, CA और एक CO3 आ गया. फिर H2O प्लस CO2 बनेगा. CO2 तो गैस है, एवोपरेट हो जाएगी. और ये CaCO3 सॉलिड जो बनेगा वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता. CaCO3 मतलब चौक का पाउडर. तो ये जो CaCO3 है ये जैसे ये नीचे सेटल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये CaCO3 नीचे आकर सेटल हो जाएगा. ऊपर का पानी हम यूज़ कर लेंगे. वाटर को बॉयल करने के बाद, उबालने के बाद पानी को, उसके नीचे कंटेनर में वाइट वाइट कुछ बचता है वो यही है कैल्शियम कार्बोनेट, वो प्रेसिपिटेट बचता है. तो क्या है कि अगर टेम्पररी हार्डनेस है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो उसको हीट करने पर वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सेटल हो जाता है. तो ये पहला तरीका है टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का. अच्छा, वाटर से हार्डनेस हम क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से किडनी स्टोन हो जाता है. तो ये वो हार्डनेस दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जाके ही किडनी या उसके कैपिलरीज में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी स्टोन होता है. ये हुई बात टेम्पररी हार्डनेस की और पहली मेथड की. तो पहली मेथड हो गई बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर. सेकेंड मेथड, दिस मेथड इज कॉल्ड क्लार्क मेथड. अब इसको समझते हैं क्लार्क मेथड क्या है. फिर वही कंटेनर ले लो और इसमें है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अच्छा, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल होता है, वो भी नीचे डिपॉजिट हो जाता है. मैं एक को लेके ही आपको समझा रहा हूँ. ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, CaOH होल ट्वाइस. इसी को हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम. कैल्शियम हाइड्रोजन, ये कार्बोनेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, स्लेक्ड लाइम. क्या रिएक्शन होगी? अब देखो, यहाँ दो कैल्शियम है और दो कार्बोनेट भी है, तो ये CaCO3 डायरेक्ट बन जाएगा. तो CaCO3, दो कैल्शियम दो कार्बोनेट ट्वाइस लगा दो और यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस H2O.
ये दो ओ एच और दो एच पॉजिटिव, तो ट्वाइस एच टू ओ दोनों आपस में। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो ये डिपॉजिट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो दिस मेथड इज कॉल्ड क्लार्क मेथड। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने क्या डाला, स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कुछ नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाला है, चूने में पानी डाल दिया, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसको थोड़ी देर के लिए कंटेनर में डाल दिया, क्या हुआ, ये इससे रिएक्ट करता गया और कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे नीचे सेटल हो गया, मतलब सारा कैल्शियम कहाँ आ गया, नीचे। तो इस तरह की से हमने वाटर वैसे कैल्शियम को अलग कर लिया। तो ये मेथड कहलाएगी क्लार्क मेथड।